अनुजी आप सर यहाँ पे देखिए सर, हम लोग बहुत खुश हैं। अरुण जी का ये सॉन्ग रिलीज हो रहा है, इसके पहले भी हुआ, ये भी रिलीज हो रहा है सोनू सूद के काम की तारीफ के लिए। तो इसी तरह वो सोनू सूद भी इससे इंस्पायर हों और आगे और भी अच्छे काम करते रहें समाज कल्याण के लिए। बहुत बढ़िया सर। क्या है यार कमिटमेंट और पंक्चुअलिटी के मामले में, जैसा कि आप बीन सेइंग सिंस द बिगनिंग, अनूप जी का कोई तोड़ नहीं है। तो इनको बुलाना मतलब बहुत बड़ी बात है, ये वैसे जाते नहीं सब जगह। सुनो चाय पी लो। सुभाष जी संडे को वापस निकल जाओगे। अच्छा चलिए, जहाँ जहाँ जगह मिल जाए बैठ जाए सब। प्रणाम करे जो उसके अपने काम से कुछ हटके हो और उसको बहुत अच्छी तरह निभाए, वो चीज मुझे बहुत खुशी देती है और वो अरुण ने करके दिखाया। अरुण जब मुझे सबसे पहले मिले थे तो सब्जियां लेके आए थे, मैं ये बेचता हूँ और आपके लिए लाया हूँ और आपको मेरा ये एल्बम जो है रिलीज करना है, तो वो भी हम पहुँच गए थे उस पर। और अभी 3-4 दिन पहले ये और भिंडी और लौकी लेके आए थे हमारे घर। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इंसान के अंदर जो खूबी होती है, हमारे तो यहाँ सब सीनियर जर्नलिस्ट बैठे हैं, सबको पता है कि इंडस्ट्री में, म्यूजिक इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में कोई अलग अलग फील्ड से आया है। जिसको हीरो नहीं बनना था वो हीरो बन गया, जिसको डायरेक्टर नहीं बनना था वो डायरेक्टर बन गया। और ये देखिए, सब्जी बेचने आए थे सिंगर बन गए। अभी मुझसे मत पूछिएगा मैं क्या करता था, मैं भी तो सिंगर बन गया। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो ठीक नहीं है यहाँ, क्योंकि ये आज के हीरो अरुण जी हैं, उनको ही हीरो रहने दीजिए, उनसे बातें करिए, उनका इंटरव्यू लीजिए। अभी मैं लखनऊ से आ रहा हूँ सीधा, लखनऊ में टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक नया चैनल लॉन्च किया है, तो उसकी ओपनिंग के लिए मैं गया था। मैं था बाबा रामदेव, वहाँ के एक्स सीएम अखिलेश, शाम को योगी जी आने वाले थे, लेकिन मुझे यहाँ पहुँचना था, वादा किया हुआ था, तो मैंने बस वो ख़त्म किया और फ्लाइट लेके आपके पास पहुँच गया हूँ। और वो इसीलिए पहुँच गया हूँ, ये वादा बहुत बड़ी चीज़ होती है। ये भी मैं कह सकता था फोन पे, यार वो वहाँ फंस गया हूँ और योगी जी ने रोक लिया है और उसने रोक लिया है, बड़ा आसान होता है नहीं कहना, नहीं कहना बहुत इजी होता है, लेकिन वो मुझे आता ही नहीं कहना। अगर मैंने हाँ कह दिया तो हाँ कह दिया, वो हाँ कह के बिग बॉस पहुँच गया था। बड़े
तरीके थे निकलने के, लेकिन किसी को हाँ कह दिया था, और जब हाँ कह दिया तो फिर पहुंच गए और 1.5 महीना पेड हॉलीडे मना के चले आए। पैसे भी अच्छे मिले और 1.5 महीना हॉलीडे जबरदस्त रहा। तो ये इंसान को अपने जीवन में करना चाहिए कि अगर कहीं वादा कर लिया है तो वो निभाना चाहिए, समय पे पहुंचना चाहिए। और मुझे बहुत खुशी है कि आज बहुत अच्छे लोग यहाँ हैं जो अच्छी बातें लिखेंगे आज के इवेंट के बारे में। एक हमारा प्रोग्राम शुरू हुआ पिछले हफ्ते से, उसका नाम है अच्छी बात अनूप जलोटा के साथ, और वो आज तक का एक नया चैनल है गुड न्यूज टुडे GNT। वो सुबह 7 बजे मैं उसमें आता हूँ, और उसमें सोनू सूद भी आते हैं शाम को, आधा घंटा वो आते हैं आधा घंटा मैं आता हूँ। तो हम चाहते हैं धीरे धीरे वो समय आ जाए कि आधा घंटा उसमें अरुण भी आए और अपने गाने सुनाए। खूब तरक्की करें, ईश्वर से यही प्रार्थना है। एंड आई वांट टू थैंक यू ऑल फॉर कमिंग हियर एंड गिविंग हिम सपोर्ट, एनकरेज कर रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अनूप जी, एक और कोइंसिडेंस है कि दो बहुत ही ग्रेट लोग अपना बर्थडे शेयर करते हैं, आप और सोनू सूद जी। 29 जुलाई में ग्रेट तो एक ही है, सोनू सूद। मैं तो ठीक है, देखिए सोनू सूद, मैं, संजय दत्त और भी हैं 2-4 लोग मेरे ध्यान में हैं, हम सब लोग 29 जुलाई एक ही दिन शेयर करते हैं। उसमें हमारे एक एक दिन के डिफरेंस में सोनू निगम भी हैं, वो 30 जुलाई हैं। हमसे एक दिन पहले हमारे PR जो करते हैं प्रीतम शर्मा, वो भी हैं। तो ये जो PR बिजनेस है ना, वो पूरा प्यार का बिजनेस है, प्यार भरा बिजनेस है। तो ये लोग, इस प्रोफेशन के लोग जो होते हैं, वो बड़ा सबसे प्यार मोहब्बत, सबसे खूबसूरत संबंध बना के काम करते हैं। तो वो जो हम शेयर करते हैं उसमें इतनी बात है कि उसमें स्टार एक ही है, हम तो सबके दोस्त हैं, काम करते हैं। थैंक यू सो मच अनूप जी, थैंक यू सो वेरी मच। आप सभी लोगों को भी अनूप जी से बात करने का मौका मिलेगा, मुझे फिर से मौका मिलेगा। दो बातें मैं आपसे जानना चाहूंगी, एंड आई एम श्योर सभी जानना चाहेंगे। एक, कि क्यों आप ये जो सॉन्ग है, इसकी जगह आप कोई फिल्मी गाना बना सकते थे जब मेहनत ही करनी थी, तो यही सॉन्ग क्यों, इसे बनाने में आपकी कितनी मेहनत लगी है, कैसे आपने इसे पॉसिबल किया है, और कैसे आप अपने ख्वाब को अभी भी जिंदा रखते हैं, क्योंकि आपका स्ट्रगल, योर स्ट्रगल इज स्टिल गोइंग ऑन। सबसे पहले तो जब मैं सोनू जी के पास गया था और सोनू जी को मैंने बोला कि सर मैं आपको लेकर एक सॉन्ग डेडिकेट करना चाहता हूँ, थोड़ा आ गया जो, बस, तो बस। क्या है कि मैं मतलब एकदम नॉर्मल गया था, जैसे कि पैर में चप्पल थी मेरे और टी शर्ट थी थोड़ी फटी हुई थी। तो जैसे मैं सोनू जी से बोला कि सर मैंने ये काम किया है वो काम किया है, तो सोनू जी ऊपर देखते थे नीचे देखते थे, ऊपर देखते थे नीचे देखते थे। तो उन्होंने बोला कि बोले और भी बना रहे तो आप भी बनाओ, बोले मेरे को कोई एतराज़ नहीं है। मैंने बोला सर लेकिन मैं औरों की तरह नहीं बनाना चाहता हूँ, मैं कुछ हटके बनाना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला, मुझे बोला कि मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा, बोले। फिर मैंने गाने का स्टार्ट किया। और आपने जब देखा तो आपको खुद ही पता है कि आपके लिए एक गाना बनाना कितनी बड़ी बात है, एक सॉन्ग प्रोड्यूस करना कितनी बड़ी बात है। तो जब जो आप मुझे बता रहे थे कि कैसे आपने सोच तो लिया और उसके बाद निकलने के बाद आप पूरे टाइम ये सोचते रहे कि अब मैं बनाऊंगा कैसे, कैसे स्केल का गाना बनाऊंगा कि उसे ट्रिब्यूट माना जा सके, तो वो जर्नी के बारे में कुछ बताइए। उस जर्नी के बारे में तो ये कहना चाहूँगा कि मैंने डिसाइड तो कर लिया कि यार मुझे सॉन्ग बनाना है, और वो भी कोक स्टूडियो से भी बढ़कर मुझे बनाना है। तो सबसे पहले आता है कि फंड कहाँ से लाएंगे, दिमाग में बहुत सारे सोच आ रहे थे। और मैंने बोला कि सोनू जी को मैंने कमेंट भी कर दिया है कि सर मैं कुछ हटके करके दिखाना चाहता हूँ, तो अभी पैसे आएंगे कहाँ से, बहुत बहुत बड़ा सवाल बन गया था मेरे लिए। और उस टाइम पे तो मतलब बोलते ना कि बहुत डिफिकल्ट समय था मेरे लिए। तो सबसे पहले मैं
अपने जो बड़े भाई है प्रोड्यूसर है अशोक हाड़िया जी के पास गया मैं, और मैंने उनको बोला कि सर मैंने इस तरह का सॉन्ग प्लान किया है तो मैं चाहता हूँ कि इस पर मैं अंजाम देना चाहिए। तो अशोक जी ने भी देखा कि बंदे में दम तो है, और बंदे ने एक बात कमाल की है कि सोनू सूद को डेडिकेट करना है, और सोनू सूद साहब ने मतलब जो काम किया वो उनके बहुत बड़े फैन रहे। तो उन्होंने बोला कि अरुण देखो तुम्हारे प्रोजेक्ट से रिटर्न तो कुछ आता नहीं है, लेकिन एक बार मैं वापस ट्राई करना चाहता हूँ, तो मैं अपने तरफ से आपको इतनी हेल्प करना चाहूँगा। फिर उसके बाद मैं अपने सीनियर प्रोड्यूसर सुभाष डावर जी के पास गया, और मैंने उनको बोला कि सर इस तरह का प्रोजेक्ट है और मैं चाहता हूँ कि आप मेरी इसमें थोड़ी हेल्प करें। उसके बाद प्रोड्यूसर मतलब सुभाष डावर जी ने बोला कि ठीक है मैं अपनी तरफ से आपको इतनी हेल्प कर सकता हूँ। उसके बाद मैं और प्रोड्यूसर के पास गया जो डॉक्टर संजय पटेल है, तो उनको भी मैंने सेम स्टोरी बताई। इस तरह से ये तीन लोगों का मिलाप हुआ, और तीन लोगों के मिलाप के वजह से ये प्रोजेक्ट खड़ा हुआ। क्या बात, क्या बात, बहुत बहुत बढ़िया। अब अरुण मैं आपसे जानना चाहूंगी, एंड आई एम श्योर आपकी जर्नी के बारे में जानने के बाद सभी कोई जानना चाहता होगा कि ये सब्जी भी यहां और सर अनुप सर आपको बता दें बस और बस सेंटर में इसमें एक और थोड़ा आगे लाइट भी मिलेगा। हम क्या बैठे हैं पहले तुम अभी आए, सभी उनको जानते हैं, वो हमें हंसाते रहते हैं, आजकल सोशल मीडिया पे काफी पॉपुलर हैं, वो अपने ओपिनियन से कई लोगों को रुला भी देते हैं क्योंकि इतनी सटीक बात करने लगे हैं। हमारे देश के द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज के पहले विनर जोरदार तालियां, और जो नहीं बजाएगा मैं समझ जाऊंगा इनकम टैक्स से। इनकम टैक्स से तो नहीं कोई यहाँ पर सर पहुंच गए घर पे उनके। So the song launch of Dil Se Hai Salaam, a tribute to Sonu Sood, written by, composed by, sung by Arun Kumar Nagar. Few of them. सर घूम के आओ, घूम के सर 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 अरुण जरा पीछे आ जाइए सेंटर में। हाँ बस 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 एक नंबर हो गया काम। हाँ जी अगर आपको कल फोटो पसंद नहीं आएगी तो आप जिम्मेदार होंगे, प्लीज मेक श्योर द प्रेजेंस इज सच कि आपकी पिक्चर अच्छी आए। जी जी जी। अगर मीडिया से किसी को अच्छा फ्रेम नहीं मिल रहा तो आप लोग प्लीज कह दीजिए। कह रहे हैं लेकिन नहीं सुन रहे, आप बोलिए। नहीं क्या बात है, आधे लोग नहीं पीछे नहीं आ रहे। यस यस अभी पीछे नहीं आ रहे, पीछे कोई कौन पीछे बता रहा है, गाड़ी वाले भाई आगे आगे, अरे वो छोटे से और दोनों मैडम पीछे हो गए। कोई नहीं, गाना साथ चला सकते हैं आप, अगर चलाना है तो म्यूजिक चला सकते हो। चलो कोई नहीं होगी, थैंक यू। चलिए सर थैंक यू, शुरू कर रहा हूँ। अरुण जी, अनुप जी जानना चाहूंगा अरुण जी ने ये जो प्रयास है सोनू सूद को जिस तरह से डेडिकेट किया सॉन्ग, कितना आप सफल प्रयास समझे और कितना अच्छा प्रयास समझते हैं आप? एक शेर में सुनाना चाहता हूँ कि खुशबू को महकने का हक है, खुशबू को महकने का हक है, लेकिन हवाओं से दोस्ती करनी होगी। तो अरुण जी खुशबू हैं, बहुत अच्छी महक हैं, इनके अंदर जो टैलेंट है वो बहुत खूबसूरत है, और इनको हवाएं भी मिल जाती हैं, इनके दोस्त प्रोड्यूसर्स मिल जाते हैं जो इनकी हर ख्वाहिश को पूरा कर देते हैं, तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है ये। मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ कि एक इंसान सोनू सूद जो दिल से सबकी मदद कर रहा है उसके लिए इन्होंने ये गाना लिखा, कंपोज किया और गाया। ये एक बहुत अच्छा जज्बा है कि किसी दूसरे की तारीफ़ करना। लोग अपनी ही तारीफ़ करते रहते हैं, दूसरों की नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ अरुण ने उनके लिए गाना भी बना दिया और उन तक पहुँचा भी दिया, ये बहुत अच्छी बात है। इसके लिए मैं अरुण को मुबारकबाद देता हूँ। अरुण जी आपसे क्या चाहेंगे?
अरुण जानना चाहूंगा कि आपका ये जो पहल था, कब आपको यह आया कि आप इस तरह का एल्बम निकाले, कब ऐसा एहसास हुआ कि आपको ये प्रयास करना चाहिए? एक्चुअली क्या है कि सोनू सर जो काम कर रहे थे तो मुझे लगा कि यार एक इंसान कितना बड़ा काम कर रहा है, कितने लोगों की हेल्प कर रहा है, तो बस मुझे लगा कि यार मुझे उनके लिए एक सॉन्ग बनाना है कैसे भी करके। तो मैं सोनू सर के पास गया और उनसे डिस्कस किया और ये सॉन्ग का स्टार्ट हो गया। अरुण जी, आशी के साथ मैं जानना चाहूँगा, जिस तरह एक तरफ सोनू सूद जी जो हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं, उसी तरफ लोग जो कुछ लोग जो हैं उनके रास्ते में रोड़े अड़ाते हैं, लाइक आज उनके घर पे आज आईटी की रेड भी पड़ी, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे यहाँ आकर ही पता लगा कि इनकम टैक्स की रेड पड़ी है, तो इन चीज़ों पर हम क्या बता सकते हैं, क्योंकि कोई ऐसी बात हुई होगी कि उसकी खोजबीन करने के लिए इनकम टैक्स वाले पहुँचे हैं। इस बारे में मैं बिल्कुल कुछ भी नहीं कह सकता हूँ, ये अलग बात है। अरुण जी, आप क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए, जब भी कोई इंसान अच्छा काम करता है ना, तो उसके लिए रोड़े तो बन ही जाते हैं, लेकिन हमको पता है कि वो इंसान ने बहुत बढ़िया काम किया है, बहुत ही अच्छा काम किया है। जो आज सरकार को करना चाहिए वो काम उन्होंने किया है, तो उनके बारे में इतना बोलना चाहूँगा कि वो आगे ही बढ़ेंगे, अब कोई प्रॉब्लम उनकी लाइफ में नहीं है। सर ये कहना चाहूंगा, एक ही प्लेटफॉर्म पर शो भी करें गुड न्यूज़ पे, उस शो के बारे में थोड़ा बता दे तो अच्छा रहेगा कि क्या शो का कॉन्सेप्ट क्या है, क्या आगे का। हाँ, आज तक चैनल ने एक नया चैनल शुरू किया है, गुड न्यूज टुडे, GMT। गुड न्यूज टुडे में मैं भी हूँ, सोनू सूद भी हैं, सुबह 7 बजे मैं उसमें अच्छी बात अनूप जलोटा के साथ इस कार्यक्रम में आता हूँ, और शाम को सोनू सूद आते हैं, वो भारत की कुछ अच्छी कहानियाँ लेकर उसके बारे में बोलते हैं। तो ये बहुत अच्छा चैनल है, और आज सुबह ही हमने एक टाइम्स ऑफ इंडिया का एक नया चैनल लखनऊ में लॉन्च किया, तो अच्छी बात है कि पॉजिटिव थॉट वाले चैनल अब आने लगे हैं, जिसमें ना कहीं कोई रेप की खबर है, ना कहीं कोई मर्डर की खबर है, वहाँ खबर यही है कि अच्छी अच्छी बातें क्या हो रही हैं समाज में, इसकी बहुत ज़रूरत थी और वो होने लगा है। आपका पढ़ देना चाहेंगे, अब आप क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से आईटी की रेड आज सोनू सूद के घर पे पड़ी, क्या आप ये मानते हैं कि एक अच्छा इंसान, कोई भी अच्छा से जो अच्छा काम करता है, पूरा मसीहा की तरह जानते हैं कि एक कोई भी जब अच्छा काम करने जाता है तो राह में रोड़े बहुत सर बिल्कुल सर, अभी उन्होंने इतना बड़ा काम किया है, मैंने बोला ना कि लोग तो रोड़े डालेंगे लेकिन वो आगे बढ़ते ही जाएंगे सर, ये मेरे दिल की दुआ है। अरुण जी, पर्दे पे काफी अच्छा लग रहा था, गा रहे थे, लेकिन रियल में जो गाना है, अगर दो लाइन गाने, मतलब रिक्वेस्ट है मीडिया की तरफ से, आप रिश्ता ना हो के भी सबसे रिश्ता निभाया है, बन के फरिश्ता वो सबके काम आया है, जब जब जहाँ भी जिसने है पुकारा उसका बना है सहारा, वो था वो बड़ा ही खौफ का मंजर, फिर भी कभी ना घबराया, वो है इंसानों में ग्रेट, वो ग्रेट सोनू सूद, वो है इंसानों में ग्रेट, वो ग्रेट सोनू सूद, वो दिल से है सलाम, दिल से है सलाम, दिल से है सलाम, दिल से है सलाम। अनुप जी का आशीर्वाद ये मेरे लिए, वो एक सिंगर है लेकिन एक सिंगर को सपोर्ट कर रहे, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है सर। थैंक यू।